वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था एड प्रोस्पेक्टिव के बारे में। अगर आपके पास इस तरीके का इमेज हो तो इसमें टेक्स्ट बहुत ही आसानी के साथ इसी के अनुसार सेट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप किसी भी शेप में टेक्स्ट को एक ही क्लिक में सेट कर सकते हैं एनवेलप टूल का इस्तेमाल करके। एनवेलप टूल का वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस मोबाइल पर इस टेक्स्ट को सेट करके देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने सेट किया था एड प्रोस्पेक्टिव से, एक बार उसी से मैं कर देता हूँ। इफेक्ट में जाएंगे और एड प्रोस्पेक्टिव, और इस नोट को यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर। तो इस तरीके से मोबाइल के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। इसी मोबाइल में एनवेलप टूल का इस्तेमाल करके एक ही क्लिक में सेट करेंगे। लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा, इसी के अनुसार एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। तो मैं फ्री हैंड टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में जाएंगे, एनवेलप टूल सेट कर ले रहा हूं मैं। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एरो मिल जाता है। इस एरो को रेक्टेंगल पर जैसे क्लिक करेंगे इसके अनुसार इसे कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधे सीधे में टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और पहले से भी मैं इसको रोटेट कर देता हूं इस तरीके से। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और एनवेलप टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां पर क्रिएट एनवेलप फ्रॉम और अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी के अनुसार एक ही क्लिक में सेट हो जाता है। अब मैं इस टेक्स्ट को लैपटॉप पर सेट करके देखता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करें या फिर बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले एनवेलप टूल सेट कर लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट एनवेलप फ्रॉम और अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं किया है, पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इस बार रेक्टेंगल ब्रेजियर टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और एक क्लिक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टूल बार में जाएँ एनवेलप टूल, उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं क्रिएट एनवेलप फ्रॉम और सिंपली इस पर अप्लाई कर देंगे रेक्टेंगल पर। तो इसी के अनुसार टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिस हिसाब से आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसी के अनुसार टेक्स्ट सेट हो जाएगा। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल लैपटॉप के अनुसार, इसके स्क्रीन के अनुसार टेक्स्ट सेट हो जाता है। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। उसके बाद मैं इस डिब्बे पर भी सेट करके देख लेता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया, और एनवेलप टूल सेट करेंगे और नीचे की साइड इसको लाएंगे इस तरीके से। आप इसी प्रकार से टेक्स्ट को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि ये टेक्स्ट है और इसको यहाँ पर मैं छोटा कर लेता हूँ। टूल बार में जाएंगे, एनवेलप टूल सेट करेंगे और यहाँ से सिंगल आर्क रखते हुए शिफ्ट की प्रेस करेंगे और को नीचे के साइड ड्रैग करेंगे। शिफ्ट नहीं बल्कि कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इसको नीचे के साइड लाएंगे। पहले मैं यहाँ पर सिंगल आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इसको नीचे के साइड लाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं रिबन पर सेट करके देख लेता हूँ। पहले इस टेक्स्ट को हम करेंगे डिलीट और इतना पार्ट मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अगर आपके पास CDR फाइल रिबन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ड्रा करना पड़ेगा। अगर आप रिबन ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये तरीका देख लें। इसको सेलेक्ट करेंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है एनवेलप टूल। एनवेलप टूल से सेलेक्ट करेंगे और इस नोट को डिलीट कर देता हूँ मैं। इसी प्रकार से इस नोट को भी डिलीट कर देते हैं और इस नोट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे के साइड लाता हूँ और इस हैंडल को ऊपर की साइड ले जाता हूँ। इसी प्रकार से इस नोट को सेलेक्ट करेंगे, इस हैंडल को नीचे की साइड और इस हैंडल को ऊपर की साइड। इसी प्रकार से आप इसको सेट कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उससे बेहतर है कि आप इसी का डुप्लीकेट जो किए हैं इसको मैं कोन टूल से इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर इसको मैं डायरेक्ट छोटा करता हूँ तो इसका शेप बिगड़ जाता है, इसलिए मैं कोन टूल से कर रहा हूँ। टूल बार में जाएंगे, यहाँ से मैं कोन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ
और इसको छोटा थोड़ा सा करेंगे इस तरीके से, और ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले इसको मैं करता हूँ कंट्रोल के से ब्रेक ए पार्ट, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसी रेक्टेंगल में हम टेक्स्ट सेट करेंगे। पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, टूल बार में जाएं, एनवलप टूल सेट कर रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ पर क्रिएट एनवलप फ्रॉम और सिंपली अप्लाई कर देंगे, तो इसी के अनुसार एक ही क्लिक में हो जाता है। इसका मैं कलर वाइट कर लेता हूँ। अब आप सभी को मैं बता दूँ इसी का डुप्लीकेट क्यों मैंने छोटा किया। तो पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से ट्रांसफार्म में जाएंगे और क्लियर ट्रांसफार्म। अगर मैं इसी रेक्टेंगल से इसको सेट करता, एक बार सेट करके देख लेते हैं। टूल बार में जाएं, एनवलप टूल, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट एनवलप अप्लाई कर दिए। इसमें एक बार हम सेट करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सेट करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुल रिबन में हो गया है। तो इसको अगर आप छोटा करते हैं तो ये सही से छोटा नहीं होगा, ये ज़्यादा परफेक्ट है। इसलिए आप पहले ही रेक्टेंगल को छोटा कर लें कॉन्टूर का इस्तेमाल करके, उसके बाद अप्लाई करें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने एनवलप टूल का इस्तेमाल कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें और इसका यूज़ करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।